कोरोना से जंग के बीच एक अच्छी खबर भी है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से एक मरीज से ठीक होने का दावा किया गया है। मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के बाद उसके दो टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। क्या मिल गया कोरोना का जादू इलाज? क्या प्लाज्मा थेरेपी है कोरोना का इलाज? कोरोना से परेशान दिल्ली के लोगों को आज एक खुशखबरी मिली है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती एक मरीज की हालत में प्लाज्मा थेरेपी से सुधार हुआ है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 49 साल के शख्स को कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय मरीज में हल्के लक्षण थे, लेकिन अगले कुछ दिनों में मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उनमें निमोनिया के लक्षण दिखने लगे। इसके बाद उन्हें 8 अप्रैल को वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना पड़ा। मरीज की स्थिति जब बिगड़ने लगी तो परिवार वालों ने अस्पताल से कहा कि उसे प्लाज्मा थेरेपी दी जाए। यहाँ तक कि डोनर का बंदोबस्त भी खुद परिवार ने किया था। डोनर वो शख्स जो कुछ दिन पहले इस बीमारी के चपेट में था, लेकिन स्वस्थ होकर लौटा था। 14 अप्रैल को इस मरीज को प्लाज्मा की थेरेपी दी गई और 4 दिन बाद ही वो इतना स्वस्थ हो गया कि वो वेंटिलेटर से हटाया गया। यहाँ तक कि उसके बाद कोविड के 2 और परीक्षण किए गए, जिसके नतीजे नकारात्मक रहे। कोरोना का अब तक कोई टीका या दवा सामने न आने की वजह से पिछले दिनों से प्लाज्मा थेरेपी पर लगातार चर्चा हो रही है। आइए आपको बताते हैं ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या। दरअसल जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस आता है तो बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। ये एंटीबॉडीज वायरस को हराने के काम आती है। इस व्यक्ति का खून जो कि ठीक हो चुका है, उसका खून फिर ऐसे लोगों के काम आ सकता है जिनको वो वायरस हो। पिछले कई सालों में सार्स और इबोला जैसी बीमारी में इस चीज का उपयोग किया गया है। अगर कोरोना की बात करें तो चीन में भी इसी चीज का इस्तेमाल करके कई मरीजों को ठीक किया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों में चाइना में और बाहर अमेरिका में भी प्लाज्मा थेरेपी जो है इन पेशेंट्स के ऊपर उसको इस्तेमाल किया गया है। और अबाउट 20-30 पेशेंट्स चाइना में ही हैं और वो ऑलमोस्ट 100% क्योर हो गए हैं। भारत में ये पहला मामला होगा जब कोरोना का कोई मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो देश के लिए बड़ी कामयाबी होगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।